वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनियरे, इवत्तु बेनकाब हो रहा है इन लोगों का, जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं, क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते। और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की
एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो।